दिग्गज बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया कितने रईस, कितनी प्रॉपर्टीज के मालिक हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया? ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर राज घराने से आते हैं। आज राजशाही बेशक खत्म हो चुकी है, लेकिन प्यार से इनके चाहने वाले इन्हें महाराज कहकर ही बुलाते हैं। कभी कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार चेहरों में गिने जाते रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया का वर्तमान पॉलिटिकल प्रोफाइल बीजेपी हो चुका है। हाल फिलहाल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में मंत्री हैं। ये राजनीति की वो चर्चित हस्ती हैं जो किसी न किसी वजह से चर्चाओं में छाए रहते हैं। ग्वालियर राज घराने के इस प्रिंस को लेकर लोगों के मन में कई सवाल बने रहते हैं। इनके बारे में जानने के लिए लोगों में खूब उत्सुकता भी बनी रहती है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कितने मालदार हैं और कितनी संपत्तियों के स्वामी हैं। दरअसल 1957 से लेकर अब तक के चुनावों में सिंधिया खानदान के उम्मीदवारों ने जितनी संपत्ति बताई है उसे आम तौर से सटीक आंकड़े से काफी कम माना जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनावों के लिए आवेदन में 2 अरब से ज्यादा की संपत्ति बताई थी, लेकिन जिन संपत्तियों को लेकर कई मामले अदालतों में चल रहे हैं उनकी अनुमानित कीमत ही करीब 40,000 करोड़ यानी 400 अरब रुपए है। साल 2020 में राज्यसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश से अपना नामांकन दाखिल करते समय इन्होंने अपनी संपत्तियों से संबंधित जो हलफनामा दाखिल किया था उसके मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास कुल 35,58,00,000 रुपए की चल अचल संपत्ति है, जिसमें से इनके पास 3,61,00,000 रुपए की चल संपत्ति है, जबकि इनके पास 31,97,00,000 रुपए की अचल संपत्ति है। वही हलफनामे के मुताबिक सिंधिया परिवार के पास कुल 378 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। परिवार में ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा उनकी पत्नी, माँ और 2 बच्चे भी शामिल है। परिवार के पास 50.06 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है, जबकि 328.98 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति भी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कैश और बैंक बैलेंस की बात करें तो 2020 में चुनावी नामांकन दाखिल करने तक इनके पास कुल 25,000 रुपए कैश था, जबकि बैंक अकाउंट्स और वित्तीय संस्थानों में कुल 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा मौजूद थे। इस रकम में अब घटत या बढ़त भी संभव है। अब बात करते हैं सिंधिया परिवार की ज्वेलरीज की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को ज्वेलरीज का शौक नहीं है। हलफनामे के मुताबिक उनके पास सोने या चांदी की कोई ज्वेलरी नहीं है। हालांकि उनके परिवार के अन्य सदस्यों के पास 16,34,00,000 रुपए का सोना चांदी है। एफिडेविट के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर स्थित जयविलास महल के मालिक है। ये महल 40 एकड़ में फैला है, जिसकी मार्केट वैल्यू तब 180 करोड़ रुपए बताई गई थी। इसके अलावा सिंधिया के पास महाराष्ट्र के श्रीगोंडा में 20 एकड़ और लिम्बन गांव में 53 एकड़ की खेतीहर जमीन है। इसके अलावा उनके पास कई दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज भी हैं। इसमें मुंबई स्थित समुद्र महल, रानी महल, हिरनवन कोठी, शांति निकेतन, छोटी विश्रावंती, विजय भवन और पिकनिक स्पॉट, घंटाघर, रोशनी घर, तबेला जैसी संपत्तियां हैं। मुंबई के समुद्र महल की कीमत 31 करोड़ और रानी महल की कीमत 26 करोड़ रुपए आकी गई है। साल 2020 के हलफनामे के मुताबिक सिंधिया परिवार पर कुल 34,26,000 रुपए की देनदारी भी थी। इतनी संपत्तियों और धन दौलत के मालिक होने के बावजूद बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया सादगी पसंद ही हैं। वे अपना अधिकतर समय राजनीति में ही देते हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद इन्होंने अपनी राजनीति को अलग अंदाज में धार दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।